नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल के टाइम ग्रुप के सेगमेंट प्रीमियर चैलेंजेस में, जहां पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले फिफ्थ T20I मैच की। वेल आपको बता दें कि पांच मैचों की T20I सीरीज इन दोनों टीम्स के बीच में खेली जा रही है, जिसके दो मुकाबले वेस्ट इंडीज की टीम ने जीते हैं तो वहीं दो मुकाबले में जीत दर्ज की है इंग्लैंड की टीम ने। और अब बारी है फिफ्थ T20I मैच की दोस्तों, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर पांचवा T20I मैच कौन सी टीम जीत दर्ज करती है और इस सीरीज पर कब्जा करती है, क्योंकि टक्कर यहां पर हमें बराबर की देखने को मिल रही है। वेल आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच ये जो फिफ्थ T20I मैच है, ये ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा 22 दिसंबर की सुबह 1:30 बजे। तो दोस्तों आज के हमारे मैच प्रीव्यू की शुरुआत कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस पिच पर कितने मुकाबले खेले गए हैं, किसके लिए ये पिच फायदेमंद साबित होगी, क्या पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए या फिर दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। तो देखिए, इस पिच पर टोटल मैचेस खेले गए हैं 3, जिसमें से तीनों ही मुकाबले जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। जी हां दोस्तों, पिछला जो मुकाबला था वो भी इसी पिच पर खेला गया था और यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ही इंग्लैंड की टीम ने जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार ये मुकाबला कौन सी टीम जीतती है। एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम की, तो वो रहा है 170 का। हाईएस्ट स्कोर बनाया है भारतीय टीम ने 190 का, तो वही लोएस्ट स्कोर रहा है वेस्ट इंडीज की टीम के नाम, जिन्होंने 149 रन स्कोर किए थे। हेडवर्ड कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों टीम्स यानी कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में 28 T20I मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 16 मुकाबलों में वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत दर्ज की है, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने 12 मुकाबले जीते हैं। अब ऐसे में दोस्तों देखिए, वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंग्लैंड के खिलाफ, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दो मुकाबले तो शुरुआती वेस्ट इंडीज की टीम ने जीते थे लेकिन आगे के दो मैचेस में इंग्लैंड की टीम से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए आपको बताते हैं आखिर वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में कौन सी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। रोमन पविल यहां पर हमें कप्तानी करते नजर आ रहे हैं, तो वो यहां पर जिन खिलाड़ियों को मौका देंगे वो होंगे ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, निकोलस पूरन, शाई होप, रोमन पावेल, शेफन ब्रदरफोर्ड, आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और गुड़ाकेश मोटी। तो ये 11 खिलाड़ी एक बार फिर से हमें दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करें देखिए की प्लेयर्स की, तो ब्रैंडन किंग ने यहाँ पर 4 मैचेस खेलते हुए 112 रन स्कोर किए हैं 160 के स्ट्राइक रेट से। निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं इस T20I सीरीज में, 4 मैचेस खेलते हुए उन्होंने 180.52 के स्ट्राइक रेट से 139 रन बनाए हैं। इनके अलावा रोमन पावेल का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 4 मैचेस में 124 रन बनाए हैं 177.14 के स्ट्राइक रेट से। इनके अलावा देखिए ऑलराउंडर के तौर पर आंद्रे रसेल को हम यहाँ पर जरूर रखना चाहेंगे, जिन्होंने 4 मैचेस में 102 रन स्कोर किए हैं, तो वहीं 5 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। गेंदबाजी में देखिए अल्जारी जोसेफ है, जिन्होंने 4 मैचेस में 6 विकेट चटकाए हैं, तो वहीं आखिरी नाम है अकील हुसैन का, जिन्होंने 4 मैचेस खेलते हुए 4 विकेट अपने नाम किए हैं। अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में और आपको बताते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। जॉस बटलर किन 11 खिलाड़ी को देंगे अपनी प्लेइंग 11 में खेलने का मौका वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ, तो देखिए यहाँ पर शामिल रह सकते हैं फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रूक, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक्स, रिहान अहमद, आदिल राशिद और प्रिसी टोपले। इंग्लैंड के अगर की प्लेयर्स की बात करें तो फिल सॉल्ट ने 4 मैचेस में 293 रन स्कोर किए हैं दोस्तों, और इसी के साथ वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सीरीज में बल्लेबाज बन चुके हैं। 293 रन स्कोर करते हुए उनका स्ट्राइक रेट रहा है 187.82 का। जॉस बटलर की बात करें तो 4 मैचेस में उन्होंने 150 रन स्कोर किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 148.51 का। इनके अलावा लियम लिविंगस्टोन है, जिन्होंने 191.04 के स्ट्राइक रेट से 4 मैचेस में 128 रन स्कोर किए हैं। अब इंग्लैंड की अगर गेंदबाजी पर नजर डालें तो देखिए आदिल राशिद हैं, जिन्होंने 4 मैचेस में 7 विकेट चटकाए हैं, रिहान अहमद ने 3 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं, वहीं आखिरी नाम हमने शामिल किया है रेसी टोपले का, जिन्होंने 2 मैचेस खेलते हुए 4 विकेट अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों ये हो गए दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, साथ ही की प्लेयर्स के नाम, जो कि इस मुकाबले में यानी कि वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच होने वाले पांचवें T20I मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। लेकिन बात कर लें अगर फाइनली कंक्लूजन की कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाएगी, तो देखिए पिच के हिसाब से यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए ही टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, तो ऐसे में जो टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली पहले बल्लेबाजी करना चुन सकती है। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए ही टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर इस सीरीज पर कब्जा जमा सकती है। वेल आपके हिसाब से क्या यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम वापसी करेगी या फिर यहाँ पर इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीत कर इस सीरीज को अपने नाम करेगी, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात क्रिकेट और IPL से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।